आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। पटना से 200 किलोमीटर दूर सुपौल आया हूँ एक वायरल सच जानने के लिए। पटना में दावा किया जा रहा है कि सुपौल में एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों को पटना और दिल्ली जैसी पढ़ाई दे रहा है, और वो भी मुफ्त में दे रहा है, पैसे ले रहा है, क्या कर रहा है। तरुणा पब्लिक स्कूल की सच्चाई जानने के लिए हम पटना से सुपौल आए हैं, सुपौल के छातापुर में हैं। और छातापुर में ये पनोरामा स्कूल है जिसके अंदर बहुत जल्दी हम जाकर आपको इसकी पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। छातापुर विधानसभा में लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं। आधी आधी आबादी में यहाँ महिला और पुरुष रहते हैं। सबकी एक ही मांग है, उनके भविष्य के साथ अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो पाया तो कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए कुछ किया जा सके। ऐसे में पैनोरामा ने एक पहल की है जिसके तहत बिहार और बिहार के बाहर के जो सुविधाएं हैं वो मौजूद होंगी सुपौल लोकसभा के छातापुर विधानसभा में। अब हम स्कूल के अंदर चलते हैं, आपको वो जो सुविधाएं स्कूल के अंदर है बच्चों को दी जा रही हैं वो बताएंगे। पटना से इतना दूर इस तरीके से जो शिक्षण संस्थान काम करते हैं उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, चुनौतियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पैनोरामा जो ग्रुप है उसके MD संजीव मिश्रा ने आखिर कौन कौन सी तैयारियां कर रखी हैं, आखिर क्या बच्चों को वो मौका मिल पा रहा है जो बड़े शहरों में खासतौर पर पटना में और दिल्ली में अवेलेबल है, क्या बच्चे उस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, क्या अनुशासन शिक्षा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो सब हो पाती हैं। चलिए अंदर की व्यवस्थाओं को देखने की कोशिश करते हैं, अंदर सीधे बच्चों से और जो या टीचिंग स्टाफ है उनसे बातचीत भी करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी अन्य स्कूल की तरह यहाँ एक बड़ा प्लेग्राउंड है, बच्चे मौजूद हैं, छुट्टी हो चुका है, चूंकि हम लेट हो गए हैं तो बच्चों की छुट्टी हो गई है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं। स्कूल बसेस और जो यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ है वो यहाँ मौजूद हैं, बच्चों को बसों में बिठाने की कोशिश की जा रही है। और एक तरफ इस तरफ आप एडमिन ब्लॉक देख सकते हैं हमारी तरफ, जहाँ पे जो सारी व्यवस्थाएं हैं रजिस्ट्रेशन से लेकर बच्चों की फीस और कोई भी अगर अन्य समस्या होती है तो उसके निष्पादन के लिए ये ब्लॉक पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। उस तरफ आप देख सकते हैं कि जब सारे क्लासरूम्स हैं जिनमें सुविधाएं बच्चों के लिए उनके पढ़ने के लिए क्लासरूम्स की सारी रखी हुई हैं। एक एक करके हम सब जानने की कोशिश करते हैं, आइए पहले एडमिन ब्लॉक चलते हैं। बच्चे के लिए यहाँ का बाहर से टीचर लेके आए हुए हैं सर ने, और जो जूनियर सेक्शन का बच्चा है उनको प्ले के थ्रू प्ले मेथड में पढ़ाया जाता है, और सीनियर बच्चे के लिए भी पढ़ाई का पूरा सुविधा है। आप देखे हुए अभी सभी लैब है, कंप्यूटर लैब से लेके म्यूज़िक डांस सबका टीचर है, आर्ट एंड क्राफ्ट सभी फैसिलिटीज़ दिया गया है। और जूनियर सेक्शन के लिए भी पूरा सुविधा, प्ले ग्राउंड है अच्छा सा, और हम लोग एक्टिविटी रूम है जहाँ पर बच्चे आपका पूरा जो प्ले का एक्टिविटी सामान है उससे लेके खेलता है और पढ़ाई भी करता है उसके साथ साथ। देखिए कंप्यूटर हम लोग क्लास 1 से कंप्यूटर का क्लास दिया गया है, हर एक क्लास का बच्चे का कंप्यूटर दिया गया है। वो क्लास में आपका एक क्लास में हम लोग का 30 बच्चे रहते हैं, 25 से 30 तक बच्चे रहता है। अभी तक तो हम लोगों का स्टूडेंट स्ट्रेंथ है 500+ है जी, गरीब बच्चे बहुत सारे हैं जिसको हम लोग फ्री में एडमिशन लिया गया है, और पढ़ाई का खर्चा भी चेयरमैन सर हम लोग जो है ट्रस्ट के थ्रू उसको पढ़ाया जाता है। ये अभी तो हम लोग का ये दो ब्रांच है, एक पूर्णिया में है और एक छातापुर में है, और आगे भी कई सारी जगह पे हम लोग कर रहे हैं। पैनोरामा ग्रुप के MD संजीव मिश्रा ने पैनोरामा ग्रुप में जो ई होम्स हैं और जो लग्जरी विलास हैं, जो टाउनशिप है, उसके अलावा एक सामाजिक सरोकार के लिए भी प्रयास किया है। वो प्रयास आपको पैनोरामा पब्लिक स्कूल में दिखता है। जब हम एडमिन ब्लॉक में घुसते हैं तो देखते हैं सकते हैं आप ये बच्चे हैं, हालांकि छुट्टी हो गई है फिर भी अनुशासन के साथ यहाँ मौजूद हैं, शिक्षण संस्थान के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप इस तरफ आकर देख सकते हैं रिसेप्शन काउंटर है जिसपे लगातार लोग अगर कोई समस्या है छात्रों की या अभिभावकों की या बच्चों की तो उसे निष्पादन करने के लिए लगातार यहाँ मौजूद हैं। ये नॉन स्कूलिंग आवर्स के बावजूद भी यहाँ मौजूद रहते हैं, बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्लास 5th में पढ़ते हैं और पैनोरामा पब्लिक स्कूल पर, यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, फुटबॉल क्रिकेट डांस एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है। क्या बनने का मन है? DSP पुलिस डॉक्टर बनना चाहूँगी सर।
डीएम। देखिए टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ तो स्कूल की बढ़ाई करेंगे, लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, बच्चों से ही जान लेते हैं कि आखिर क्या सुविधाएं हैं, क्या यहाँ पर पटना दिल्ली जैसी जो शिक्षण संस्थान है काम करते हैं वैसी सुविधाएं यहाँ मिल पाती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सार्थक सिरियांश। सदफ रहमानी। अश्रुति प्रिया। श्रुति प्रिया किस क्लास में पढ़ती है? क्लास 8। क्लास 8? यस सर। क्लास 8 यानी 2 साल में आपको फिर बोर्ड्स देने हैं? हाँ यस सर। कहाँ रहती हैं? विलेज है बघेली, रघुनाथपुर। कितना दूर है यहाँ से? 25 किलोमीटर अप्रॉक्स, 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर दूर से आप आती हैं यहाँ पढ़ने के लिए, आने जाने की व्यवस्था क्या है? वैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बट मैं बस मोड अपनाती हूँ। क्यों, आसपास स्कूल नहीं है क्या वहाँ पे? स्कूल है सर, लेकिन जो फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है वो नहीं है। ऐसा क्या अवेलेबल है यहाँ? हाँ अवेलेबल है, सारा फैसिलिटीज यहाँ अच्छे हैं, विदाउट ट्यूशन भी हम यहाँ से पास आउट हो सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के साथ। स्टडीज को आप देख लें तो जी, ईयर के कंप्लीट होने से पहले सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है और रिविजन स्टार्ट हो जाता है सर, तो ये एक काफी अच्छा फीचर हो गया। एक बात तो मतलब बच्चे कहते हैं ना कि अगर पटना से दूर किसी स्कूल में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी नहीं आ पाती है, अंग्रेजी आती है आपको? यस सर। टीचर ने सिखाया है? यस सर। अंग्रेजी में मैं पूछूंगा सवाल जवाब दे देंगे आप? यस सर। इन व्हिच स्कूल डू यू रीड? पनार पब्लिक स्कूल। व्हाट इज योर फादर्स नेम? माय फादर्स नेम इज लुत्फुर रहमान। इन व्हिच क्लास यू आर यू करंटली स्टडीइंग? 8th क्लास। ये बताइए कि मतलब कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है? वैसे तो आई लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स बट आई मोस्टली लाइक मैथ्स। मैथ्स? या। व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू स्टडी? आई स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश एंड उर्दू। आपके जो एमडी हैं संजीव मिश्रा जी, उनके बारे में जानती हैं? हाँ उनके बारे में पता है, ही इज वेल मैन, सक्सेसफुल भी है। और क्या क्या करते हैं वो? उनका पैनोरमा ग्रुप भी है जी, पूर्णिया में भी उनका स्कूल है, बहुत वो इनसे भी ज़्यादा डेवलप स्कूल है अभी, वो इसको भी बहुत ज़्यादा डेवलप स्कूल बनाने की ट्राई कर रहे हैं। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आपको, 8वीं कक्षा की आप छात्रा हैं, अब पढ़ाई के अलावा और कुछ कुछ चाहिए होता है ना, कंप्यूटर चाहिए होता है, इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, आजकल तो लाइव डेमो क्लासेस होते हैं, वो सब होता है क्या? हाँ कंप्यूटर क्लासेस अवेलेबल है, एक्टिविटीज क्लासेस भी, मतलब डांसिंग म्यूजिक सब अवेलेबल है। मुझे कंप्यूटर क्लास दिखाइएगा आप चलते? यस श्योर। तो ये है पैनोरामा पब्लिक स्कूल का कंप्यूटर लैब जहाँ बच्चों ने मुझे लेकर आया हुआ है। मुझे किसी कंप्यूटर में बैठकर आप बताइए से, हालांकि यहाँ तो बच्चे काफी काम लगता है कर रहे हैं पैसे बैठकर, कोई टाइपिंग सीख रहा है, कोई टाइप कर रहा है। तो सुपौल के पैनोरामा पब्लिक स्कूल में हमने कंप्यूटर लैब देखा और हमने वेरीफाई भी किया कि बच्चों को कंप्यूटर अच्छे से आता है, थैंक्स टू श्रुति एंड सदा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अब स्कूल की बाकी सुविधाओं को हम देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं सहयोग लगेगा और वो सहयोग इस स्कूल के पैनोरामा पब्लिक स्कूल के मतलब आप कह सकते हैं मैनेजमेंट देखते हैं। मैधोक नाम है सर आपका? मैधोक सर। सर ये जो स्कूल है सुपौल में, पटना दिल्ली बाकी जैसे स्कूल्स होते हैं, क्या वैसी सुविधाएं वास्तविक तौर पर यहाँ लाई जा सकती हैं? हाँ एक्चुअली सेम सुविधा हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि आप लोग पटना से आए, आप लोग को मालूम है ये छातापुर जो सेक्टर है बहुत रूरल इलाका है, पुअर इलाका है, इसका रोड बहुत खराब है, आने में दिक्कत होता है, ट्रैफिक जाम है। इस इलाका में मिस्टर संजीत मिश्रा जो पैनोरामा ग्रुप का जो CMD, उसका एक सोर्स है ये सबके लिए एडुकेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस गांव में इस रूरल इलाका में पैनोरामा पब्लिक स्कूल बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। हाँ तो मिनी मैक्सिमम से 20 किलोमीटर जी, अप्रोच 20 किलोमीटर। तो मुझे दिखाइएगा कि क्लासरूम्स कैसे हैं। एक्चुअली क्लास 1 है। प्लीज सर इस काम में सुनो, तुम झाड़ू मारो।
एक्चुअली अप्रोच हम लोग का जो क्लासरूम है सेम क्लासरूम है, ठीक है सर। हाँ, एक क्लासरूम में 25 बच्चा, केजी रूम है। आइए सर, तो अप्रोच केजी रूम है, अभी साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है रूम, छुट्टी हो गया। इसमें भी 25 बच्चा के ज़्यादा नहीं रखते हैं हम लोग, और 4 टीचर हैं, एक होमवर्क के लिए है, एक होमवर्क चेक करने के लिए है, ठीक है, एक बोर्ड में है, एक पूरा राउंड लगाने के लिए एक टीचर, एक क्लासरूम में 4 टीचर है सर, ठीक है। ये सर नर्सरी रूम है, ठीक है, आइए सर प्लीज। इसमें 20 बच्चा है नर्सरी रूम में, 2 टीचर है, 20 बच्चा। और ये बच्चों का प्लेइंग ग्राउंड है, एक्चुअली इसमें छोटा बच्चा के लिए है जी, छोटा बच्चा जैसे छोटा छोटा एक्टिविटी होता है केजी नर्सरी के लिए है, छोटा छोटा एक्टिविटी, रनिंग, जंपिंग, केजी नर्सरी के लिए 1 के लिए फुटबॉल और ये सब इसमें एक्टिविटी होता है। हम लोग का जो ग्राउंड है थोड़ा बाहर है, रोड का उस साइड है, उस साइड ग्राउंड है, बिग ग्राउंड है, बहुत बड़े बच्चों के लिए, हाँ, जिसमें फुटबॉल क्रिकेट सब चलता है। अच्छा, जैसे इधर सुपौल में बहुत कल्चर नहीं है पढ़ाई से अलग हट के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का? हाँ जरूर, जैसे एक्चुअली ये सीबीएसई पैटर्न स्कूल है, हम लोग का सोच है बाकी जो स्कूल है उससे अलग करना, एडुकेशन से अलग है, अलग एक्टिविटी से भी अलग, डिफरेंट करके हम लोग को आदमी के आगे, बच्चा लोग के आगे प्रोवाइड करना है। जैसे एक्टिविटी में आपका क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल तो गेम है, क्लास कंप्यूटर भी है, आपका डांसिंग है, म्यूजिक है, सिंगिंग है। इसमें इसमें संजीव मिश्रा जी का इनपुट क्या है? एक्चुअली संजीव मिश्रा ही इज ऑनेस्ट मैन, हम लोग का गॉड ऑफ फादर। तो ये एक गांव है, इस गांव में इस तरीके का बिल्डिंग का जो ट्रैक्स आ रहे इसको खड़ा करना, रेडी करके स्कूल स्टार्ट करना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं है, रूरल इलाका है। सरकार एक सोच है कि मेरा गांव में कुछ करके दिखाना है, तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, म्यूजिक, कंप्यूटर क्लासेस, ये सब कंपलसरी है सारे बच्चों के? हाँ, सारे बच्चे के लिए, चाहे गांव से आ रहे हो या कहीं। हाँ, सबके लिए सर, सबके लिए। अच्छा, तो मतलब इतना जब आपने व्यवस्था कर रखा है, फीस तो बहुत ज्यादा होगा? नहीं, बहुत कम है सर, बहुत कम है। अब दिल्ली मुंबई की चीजें यहाँ लेके आइएगा, पटना की, तो मैंने उसका खर्च तो ज्यादा होगा ना? नहीं, पैनोरमा पब्लिक स्कूल का जो सीएमडी है, पैनोरमा ग्रुप का मिस्टर संजीत मिश्रा, उसका सोर्स है जी, हम गांव के लिए, मेरा जो पहचान वाला आदमी है जी, उसके लिए कुछ करके जाए, करना चाहिए, सोच है। ही इज ए ऑनेस्ट मैन एंड सोशल वर्कर। नहीं, ये बताइए कि मतलब एक बिजनेसमैन कोई काम करता है तो बिजनेस के लिए ना करता है, यहाँ भी पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाए होंगे? नहीं नहीं नहीं, जिसका पास स्कूल है, एजुकेशन सेक्टर का नॉलेज है, उसको मालूम है ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा लगता है, ये फुल्ली घटा है। अभी आप स्टाफ रूम में स्टाफ भी देखे, टीचर भी देखे, स्कूल का सैलरी से लेकर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक खर्चा, जनरेटर है हम लोग का, मेस भी है, मेस भी है, तो इसका जो खर्चा है इस स्कूल से नहीं निकलता है। एक्चुअली संजीत मिश्रा ही जो है स्कूल को चला रहा है, दूसरा मालिक होता तो स्कूल बंद कर देता। अच्छा। और बहुत जो स्टाफ है हम लोग, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, फोर ग्रेड, दिक्कत हो जाता, प्रॉब्लम हो जाता। 600 बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी घाटे में चलता है? हाँ सर, एक्चुअली में मैक्सिमम बच्चा हम लोग का जो बच्चा है एडॉप्टेड बच्चा है। अच्छा। तो कोई जैसे पटना से गए तो विराज को लेके आ गए, पोर फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो सब बच्चा को सर खुद पढ़ाता है इधर, ठीक है, हम लोग उससे डिमांड नहीं करते, पैसा नहीं लेते हैं, समाज को वापस देने। हाँ, सर का एक सोच है जो मेरा स्कूल से अच्छा अच्छा बच्चा निकलेगा, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कोई लीडरशिप निकलेगा, जो गांव के लिए काम करेगा, बिहार के लिए काम आ जाएगा, सर का एक सोच है। अब भाई कमाना होता तो पटना में खोलते हैं, यहाँ सुपौल में क्यों खोलेंगे? तो पटना से 200 किलोमीटर का सफर जो तय करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो तो बड़ा सफल रहा। सफल इसलिए रहा क्योंकि हमने कोई अजूबा नहीं देखा, हमने देखा कि एक शिक्षण संस्थान जो पटना, दिल्ली जैसे जगहों पर काम करता है, 7,000-8,000 तक महीने के बच्चों की फीस होती है ऐसे व्यवस्थाओं की। हमने परखा, हमने देखा कि ये जो पैनोरमा पब्लिक स्कूल है सुपौल का, इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो एक उन्नत शिक्षण संस्थान में पटना या दिल्ली में कहीं होती है। हमने बच्चों से भी बात की, हमने अभिभावकों से भी बात की, हमने जो टीचिंग स्टाफ है उनसे भी बातचीत की, सभी ने यही कहा कि पैसे कमाने के लिए ये स्कूल नहीं खोला गया है।
दूर दूर से बच्चों को बस से लाना या फिर उन्हें यहाँ अलग अलग सुविधाएं देना। सच्चाई यही है कि आज भी सुपौल बहुत पिछड़ा हुआ है। फीस देने की ना तो लोग ज़रूरत समझते हैं ना ज़रूरत करते हैं। बहुत तरह की समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद संजीव मिश्रा जो कि पैनोरामा के CMD हैं, वो एक अथक प्रयास कर रहे हैं। हमें तो ये भी अंदाज़ा लगा है कि लगभग 10 लाख रुपए का महीने का चपत लग रहा है उनके बैंक बैलेंस को इस स्कूल को चलाने से, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं। जब पटना के में बच्चे पढ़ सकते हैं और अंग्रेजी जान सकते हैं, कंप्यूटर जान सकते हैं, तो सुपौल के बच्चे भी जानेंगे। चलिए, सफ़र तो हमारा बड़ा सुखद रहा। अगली मोड़ पर मुलाकात करते हैं आपसे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।